नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आप सबसे। बहुत बढ़िया। चलिए तो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का और शुरू करते हैं आज का जो विषय है हमारा। काफी दिनों बाद पॉलिटी की इवनिंग वाली क्लास हुई है, अब ये रेगुलर हुआ करेगी, तो वापस से अपने आप को मतलब आप शेड्यूल कर लें शाम को 5 बजे के लिए। काफी दिन से ब्रेक चल रहा था, लगभग पूरा 1 वीक हो गया है, फिर से ये क्लास होगी। और जो प्लस की क्लासेस हैं इवनिंग में वो आज से है, एसएससी वालों की आज से क्लास हो जाएंगी, और मॉर्निंग में जो है वो यूपीएससी वालों की चल रही है। क्लियर? तो ये तो था सारी इंफॉर्मेशन, और अब शुरू करते हैं आज का सेशन। जल्दी से एक बार के लिए जो भी साथी उपस्थित हैं अपने साथियों से भी इस सेशन को शेयर कर सकते हैं, शायद उन्हें पता हो। मैं टेलीग्राम पर उन्हें लिंक शेयर कर चुका होता हूं, आप चाहें तो वहां से भी आगे अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर सकते हैं। बस उन्हें रेफरल कोड बता के साथ भेजा करिए कि रेफरल कोड है अंकित10, जिसका उपयोग करके वो इस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है साथियों, कुछ बातें जरूरी हैं जो आपको जान लेनी चाहिए, जिनमें सबसे पहली बात यह है कि अन अकेडमी पर आपको जितने भी कोर्सेस यूपीएससी के अंदर उपस्थित हैं वो सारे कोर्सेस केवल एक ही सब्सक्रिप्शन से मिल जाते हैं, वो है प्लस सब्सक्रिप्शन या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस में आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन कीमत 44,000 रुपए में मिलती है और आइकॉनिक में 67,000 रुपए में। कई बार सवाल पूछा जाता है कि सर प्लस और आइकॉनिक में क्या डिफरेंस है, तो थोड़ा सा जान लीजिए। आइकॉनिक और प्लस में साथियों अंतर ये है, पहले तो प्लस के बारे में बता दूं, प्लस के अंदर आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, पूरे की पूरे कोर्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी सुविधाएं प्लस में मिलती हैं। आइकॉनिक के अंदर इस प्लस के अलावा कुछ चीजें और मिलती हैं, जैसे एक पर्सनल गाइडेंस मिलता है, टेस्ट का एनालिसिस मिलता है, एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती है, स्टडी मटेरियल जो है वो स्पेशलाइज्ड नोट्स और प्रैक्टिस सेट्स मिलते हैं। हालांकि नोट्स यहाँ पर भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर एडिशनल वो चीज और मिलती है। इसके अलावा स्टडी प्लानर मिलता है, जिसमें कि पूरी तरह से ये बताया जाता है कि कैसे कैसे आपको पढ़ना चाहिए, 2 वीक का पूरा प्लानर आपको दिया जाता है, यानी कि इसमें एक मेंटर भी अतिरिक्त रूप से आपको मिलता है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि साहब कितने रुपए में ऑप्शनल प्राप्त होता है, तो यूपीएससी के अंदर ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन जो है वो 10% डिस्काउंट के बाद 24,000 रुपए का पड़ता है। 10% डिस्काउंट के लिए आप रेफरल कोड अंकित10 यूज कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप यूपीएससी सीएससी का एक कॉम्बो प्लान लेते हैं, जिसमें कि आप सीएससी यूपीएससी सीएससी जीएस और ऑप्शनल दोनों परचेज करते हैं, तो 12 महीने के लिए आपको ये 70,000 रुपए में और 24 महीने के लिए मात्र 99,000 में मिल जाते हैं, जिसमें जीएस का ऑप्शनल और ये दोनों चीजें उपस्थित होती हैं। ठीक है, ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए अन अकेडमी पर तमाम बैचेस हाल ही में 17 तारीख से शुरू हुए हैं, उन्हें आप केवल इसी एक सब्सक्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं। हर वीकेंड पर अन अकेडमी में आप लोगों के लिए एक टेस्ट होता है, जो कि सुबह 11 बजे होता है। इस बार के जो टेस्ट हैं वो 4 करोड़ रुपए वर्थ के हैं, सुबह 11 बजे हैं, जो यूपीएससी कैटेगरी के अंदर है। इसे कॉम्बैट नाम दिया गया है, अन अकेडमी कॉम्बैट। इसी प्रकार का एक कॉम्बैट एसएससी कैटेगरी में भी होता है। ठीक है, आइए साथियों शुरू करते हैं आपके सामने पहले प्रश्न की तरफ। क्या है सवाल, ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद में मेरे प्यारे साथियों आप अपना आंसर निकालिएगा। सवाल आपके सामने है, भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए, पे योर अटेंशन प्लीज। क्या उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए गवर्नर साहब के लिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, नंबर नेक्स्ट, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, इनमें से कौन सा कथन सही है? हाँ भाई, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता और इनमें से कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा गया है। मतलब हमारे यहां पर जो कंडीशंस कही गई हैं कि भाई राज्यपाल होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, उनमें से कौन सा कथन सही है बताइए। मतलब ये एक्चुअली आपकी भावनाओं से ज्यादा तथ्यों पर बनाया हुआ सवाल है, आपको बताना है कि कौन सा कथन राज्यपाल के विषय में सही है, लिखा हुआ है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, बहुत कम लोगों को यह आंसर था, ये 35 वर्ष का होना चाहिए कम से कम, ये कथन सही है।
अगर ये कथन सही है तो ये कथन स्वतः ही गलत हो जाता है, ये कथन गलत हो जाता है तो ये ऑप्शन स्वतः ही गलत हो जाता है। जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए ऐसी कोई योग्यता उसके अंदर लिखी हुई नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों को बस अतिरिक्त रूप से पता होनी चाहिए, क्लियर। तो यही एक ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। हाँ जी, एक विद्यार्थी लिख रहा है मेरी 10 दिन की क्लास छूट गई है, दोबारा कैसे लूं। मोहिनी बेटा वापस मिल जाएंगी, आप मेरे नाम से सर्च कर लीजिए, सारी क्लासेस आपको दिख जाएंगी। निम्नलिखित में राज्यों में से कौन सी जगह पर विधान परिषद उपस्थित है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल बोले तो विधानसभा और विधान परिषद दो बाइकैमरल व्यवस्था के अंदर सिस्टम्स होते हैं। विधानसभा हमको पता है, विधान परिषद आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से जल्दी से बता दीजिए, बहुत ही आसान सवाल है, आप इसे धज्जियां उड़ा देंगे 2 मिनट के अंदर, बताइए। कौन सा कथन सही है? जी हां, द करेक्ट आंसर इज बिहार। इनमें से केवल कुल 6 ही राज्य हैं जिनके पास विधान परिषद उपस्थित है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 169 के तहत प्रावधान है, 171 और 172 के तहत ये प्रावधान है कि विधानसभाओं को कैसे बनाया और खत्म किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल होता है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट इंक्लूड्स। हाँ भाई बताएं, राज्य की विधायिका जब हम शब्द यूज करते हैं तो किन किन चीजों से मिलकर के वो बनी होती है, ये सवाल पूछा जा रहा है। ये बिल्कुल असल में वैसा ही सवाल है जैसे हम लोग कई बार पूछते हैं कि संसद का मीनिंग क्या है, ऐसे ही आपसे पूछ रहा है राज्य की स्टेट लेजिस्लेचर का मीनिंग क्या है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है, बताइए। जैसे हम लोग अब तक पढ़ते आए हैं ना कि संसद इज इक्वल्स टू क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये हमने पढ़ा है। ऐसे ही ये आपसे पूछ रहा है राज्य की विधायिका, राज्य की विधायिका का मतलब क्या निकले, राज्य की विधायिका इज इक्वल्स टू राज्यपाल प्लस विधान लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल, इस प्रकार से इसका निर्माण होता है। अब आप पूछेंगे सर कई जगह तो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, जहां लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है वहां पर आप लेजिस्लेटिव असेंबली से काम चला लीजिए, ठीक है, जहां पर है वहां पर, इसीलिए लिखा गया है वेयर इट एग्जिस्ट, जहां पर ये है वहां पर तो लिख लीजिए, अदरवाइज इसके बिना काम चलाते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। नूब हर्ष बेटा लास्ट में बताता हूं आपको कि कैसे ऑप्शनल चूज करना है ना, वेट करिए, आगे बढ़ते हैं। राज्य विधानसभा निम्न में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है, ये सवाल किसी से गलत नहीं होना चाहिए। क्यों गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान है और महत्वपूर्ण है, मतलब अधिकांश समय पढ़े जाने वाला सवाल है और आपसे पूछा जा रहा है। जैसे आपकी राज्य की विधानसभा है वो किन किन के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा इस मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए। बहुत ही प्यारा सवाल है, मतलब ये सवाल ऐसा है जो गलत नहीं होना चाहिए। ये सवाल गलत नहीं होना है। अरे यार, इसका मतलब आप लोग जो हैं इस चीज को लेकर के बिल्कुल भी, मतलब आपकी नजर में ये चीज इंपॉर्टेंट थी ही नहीं, इसलिए गलत कर दिया आपने। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से समझना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनके इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, लोकसभा राज्यसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, याद है इन सबके निर्वाचित प्रतिनिधि, नॉमिनेटेड एक भी नहीं, नंबर एक। नंबर दूसरा क्या है, नंबर दूसरा है मेरे प्यारे साथियों यहां पर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा राज्यसभा, राज्यसभा मेंबर के इलेक्शन में जिस राज्य की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वही निर्वाचित करती है राज्यसभा के मेंबर को, ठीक है ना। तीसरी चीज, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो विधान परिषद है उसके निर्वाचन में भी कौन पार्टिसिपेट करता है, विधानसभा पार्टिसिपेट करती है। जिस राज्य में विधान काउंसिल है यानी कि जहां पर विधान परिषद है वहां पर ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था, केवल वाइस प्रेसिडेंट इकलौता ऐसा सवाल था जिसको कि आप कटा सकते थे, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से याद रखना।
चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट। पहली चीज तो ये सवाल पूछा गया कि चीफ मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द स्टेट ऑफ काउंसिल होता है, ठीक है। ही गेट मेजोरिटी इन विधानसभा एंड इज रेस्पॉन्सिबल टू द विधानसभा। हाँ भाई, इसके पीछे का रीजन क्या है? चीफ मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, नंबर एक, यानी COM का हेड होता है। दूसरी बात, इसके पीछे का कारण यह है क्योंकि वो मेजोरिटी प्राप्त करता है और वो विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। कौन सा कथन सही है? दीपांशी बंसल, हेलो सर, आई वांट टू कवर जीएस फ्रॉम योर क्लासेस, आई एम न्यू ऑन एकेडमी, कैन यू टेल मी व्हिच ऑफ द प्रोसेस आई टू कंप्लीट फॉर। बेटा इसके बाद में आपको बताता हूं, लास्ट में है ना, क्लास के एंड में डिस्कस कर लेंगे आप, ठीक है। चलिए, दोनों ही कथन सही हैं। अब देखिए, आप लोगों को एक चीज मालूम होनी चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना, इस तथ्य को थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दो जगह शब्द यूज में लिया जाता है, कहां कहां, एक लिया जाता है संसद के क्षेत्र में, दूसरा लिया जाता है विधानसभा के क्षेत्र में, विधानसभा के केस में, और एक लिया जाता है स्टेट के केस में, ये सॉरी यूटी के केस में, है ना। जब संसद वाली बात होती है तब याद रखिएगा, संसद में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, याद कर लेना। बहुत बार यहां पर कंफ्यूज किया जाता है ऑप्शंस दे दे करके कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ऑप्शंस में होता है लोकसभा, ऑप्शंस में होता है संसद, ऑप्शन में होता है राष्ट्रपति, और विद्यार्थी गलत करके आ जाता है ना। तो उसे लगता है कि राष्ट्रपति के लिए होता होगा, कुछ को लगता है संसद के लिए होता होगा, कुछ को लगता है चौथा ऑप्शन, चलिए मान लीजिए राज्यसभा लिख दिया। तो आंसर क्या है? करेक्ट, लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही राज्य की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है साथियों, वो, अच्छा पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती क्या है ये भी समझ लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब होता है, मतलब इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं ये समझिए। जिनको आप कैबिनेट मंत्री कहते हैं ना, वो इसी के हिस्से होते हैं। जिन्हें आप राज्य मंत्री कहते हैं, वो इसी के हिस्से होते हैं। मतलब यूं समझिए आप, जो मंत्री शब्द है ना, चाहे राज्य मंत्री हो, उप मंत्री हो, कैसा भी मंत्री शब्द हो, वो सब की सब मेरे प्यारे साथियों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिस्से होते हैं। इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सबसे उच्च श्रेणी के मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं, लेकिन आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शब्द पकड़ के चलना है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जब विधान लोकसभा में बात की जाए, संसद में बात की जाए, तो वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? लोकसभा के लिए। विधानसभा के अंदर अगर बात की जाए तो मैं आपको कहूंगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो राज्य वाली होती है वो विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। कई बार यहां पर भी कंफ्यूज करने के लिए सवाल पूछ लिया जाता है, जैसे मैं आपको बताऊं साथियों, यहां पर ये मैंने ऑप्शन तो आंसर तो दे ही दिया था इसका। कई बार यहां पर भी सवाल पूछ लिया जाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो राज्य के अंदर है ये किसके प्रति जिम्मेदार होती है ना। कई बार ये पूछ लिया जाता है, ऑप्शन में आपको दे दिया जाता है, बताइए, विधानसभा के प्रति, है ना। राज्य की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, विधान परिषद के प्रति जिम्मेदार होती है, या फिर पूछ लिया जाता है आपसे राज्यपाल के प्रति जिम्मेदार होती है, या फिर पूछ लिया जाता है केंद्र सरकार के प्रति जिम्मेदार होती है। अब बच्चा जो है वो इतनी सारी चीजें पढ़ चुका होता है कि फिर उसको कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है। उसको लगता है यार विधान परिषद तो पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन राज्यपाल तो बिल्कुल होगा, और जिसको राज्यपाल नहीं है वो केंद्र सरकार टिका के आ जाता है। उसको याद क्या रखना है, वो केवल विधानसभा के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है ना। ये तथ्य आपको बहुत ही अच्छे से मालूम होना चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पद अवधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई भी दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। ये सवाल को समझना, बहुत ही प्यारा सवाल है। दूसरा, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पद अवधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। कौन सा कथन इन दोनों के भीतर सही है? बहुत ही प्यारा सवाल पूछा गया है, बताइए। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। असल में ये सवाल वो है जो आपको बताता है कि किस प्रकार भारत के अंदर समानता का भाव नहीं है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है ना कि हमारे यहाँ समानता है, तो वहां पर इस ही पॉइंट के आधार पर समानता को क्वेश्चन मार्क किया जाता है कि भाई हमारे देश में समानता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति और राज्यपाल जो हैं वो अलग से वो पाते हैं, मतलब एक प्रकार से ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट पाते हैं, ठीक है ना। तो
कौन सा स्पेशल ट्रीटमेंट है? राज्यपाल को कोई पनिशमेंट नहीं दे सकते जब तक वो पद पर है। इसके अलावा राज्य के राज्यपाल की जो उपलब्धियां हैं उनको आप कम नहीं कर सकते, है ना। ये एक अपने आप में बहुत तगड़ी चीज है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आर्टिकल 162। अब देखिए, यह आर्टिकल पता होगा तब तो आप कर दोगे, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, एक बार के लिए ट्राई मार लो, आता हो तो कर दीजिएगा। हाँ भाई, मनीष राठौर बार बार बफर बफर लिख रहे हैं। भैया बात ऐसी है, आपका मनीष इंटरनेट खत्म हो गया होगा इसलिए बेटा हो रहा होगा, बाकी सबका सही चल रहा है बेटा, है ना। वो इनका इंटरनेट खत्म हो गया होगा इसलिए उनका दिखाई स्तर दे रहा होगा, है ना। जी हाँ, हाँ जी। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के लिए ये आर्टिकल यूज में लिया जाता है। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है ये, वैसे ही था, मतलब अंगू पंगू क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर 163 और 164 होते हैं, इससे आगे वाले, है ना। ये ऐसे ही था बीच में आपको परेशान करने के लिए। राज्य के राज्यपाल के पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अगर हम बात करें गवर्नर की तो उनके बारे में कौन सी बात सही नहीं है? एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। नंबर एक, यह विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए त्याग पत्र देकर अपना पद त्याग सकेगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, विधानसभा अध्यक्ष को राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष शपथ लेता है, यानी कि सीजे जो होता है ना, चीफ जस्टिस जो हाईकोर्ट का है, सीजेआई नहीं। हाँ जी बताइए, कौन सा कथन यहां पर गलत है? यह सवाल आपसे पूछा गया है, बहुत ही प्यारा सवाल है, बताइए जल्दी से। प्लस की क्लास 6 बजे है बेटा, प्लस की क्लास 6 बजे है। सर वीडियो की क्वालिटी को लो करो जिससे डेटा कम खर्च होगा, MKGK। हाँ बेटा, मैं, मेरे पास अगर ये टेक्निक होती तो जरूर कर पाता, ये मैं बोलूंगा उनसे, लो क्वालिटी वर्जन भी बनाया करें इसका। हाँ भाई, है ना। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसी राज्य के मुख्यमंत्री, वो याद रखना, इस चीज को समझने का प्रयास करना, राज्यपाल जो है ना वो अपनी जो इस्तीफा है वो प्रेसिडेंट को देता है, ठीक है ना। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? मुख्यमंत्री साहब के बारे में पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करता है। सामान्यतया मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों को प्रयोग करता है। गवर्नर एक्सरसाइजेज ऑल हिज फंक्शन ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। बताइए साथियों, कौन सा कथन सही है? राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करते हैं, कौन सा कथन यहां पर सही है, कौन सा गलत है, ये पूछा जाता है। वो हिंट नहीं है एक्चुअली, क्या हुआ, मैं खुद ही पढ़ते पढ़ते, मतलब इस क्रॉस, इसको हिंदी को इंग्लिश में क्रॉस चेक करने चला गया। मैंने कहा कहीं जानबूझ करके तो गलत नहीं लिखा है, वो गलती से चला गया मैं, और उससे आपको हिंट लग गया। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है कि मैं हिंट देने के लिए ऐसे किया था, है ना। मैं खुद ही, मतलब इसको पढ़ते पढ़ते मुझे लगा, मैंने कहा ये गलत है, होता है ना एक बार अपने आप जो गलत होता है वो दूसरी तरफ आके चली जाती है, वो हुआ, ठीक है। अच्छा, अब एड ऑफ चीफ मिनिस्टर, तो देखिए आर्टिकल 163 कहता है कि राज्यपाल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर कार्य करता है। किसकी पर कार्य करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, विच इज हेडेड बाय सीएम। सीएम की एडवाइस पर नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? हाँ भाई, थर्ड ऑप्शन समझा दिया योगी भाई, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो नहीं है, मुख्यमंत्री की सलाह से काम चलता फिर तो फिर दिक्कत ही नहीं थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, है ना। चलिए, अरिजीत अग्रवाल, थैंक यू भाई। चलिए, निम्नलिखित में से राज्यपाल के पास कौन सा संवैधानिक विवेक अधिकार है? विवेक अधिकार को डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशनरी पावर बोलते हैं, जहां पर राज्यपाल अपना दिमाग काम में ले सकता है। मतलब सीधा सा है कि वो आर्टिकल 163 के तहत जहां पर बाध्य नहीं है, अर्थात उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात मानने के लिए, मतलब कंपल्सरी नहीं है,
वो अपनी मर्जी से भी इन चीजों पर डिसीजन ले सकता है, वो कौन सा है आइए देखते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करने के मामले में क्या वो अपना संवैधानिक विवेक अधिकार उपयोग में ले सकता है कि भाई राष्ट्रपति शासन लगा दो, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछेगा। अब देखो एक मजेदार बात देखो, मतलब मैं आंसर ना भी बताऊं कॉमन सेंस की बात है कि यार ये वाला पॉइंट चारों में कॉमन है तो क्वेश्चन वैसे ही पिट गया। बात समझना भाई, ये चारों में कॉमन है तो अल्टीमेटली इन दो के अंदर ही पॉइंट बचा, तो ये तो देने की जरूरत ही नहीं थी फिर, जब ऐसा ही क्वेश्चन बनाना था तो फिर देने की जरूरत क्या थी। राज्य विधानसभा में विश्वास मत सिद्ध ना कर पाने की स्थिति में मंत्रिपरिषद को भंग करने के मामले में राज्यपाल का विवेक अधिकार फिर पूछा जा रहा है कि यदि राज्य विधानसभा में विश्वास मत सिद्ध ना हो पाए तो फिर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भंग कर सकता है। मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासनिक और वैधानिक मामलों से संबंधित जानकारी मांगने के मामले में, यानी कि वो मुख्यमंत्री से मांग सकता है कि बताइए आपके यहां पर क्या चल रहा है, कौन सी कथन यहां पर सही है, आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। हाँ जी एक्चुअली क्या है कि यहां पर सेकंड वाला जो कथन है, In case of dissolution of the Council of Ministers, in the event of not being able to prove the trust to rest, in case of dissolution, then Sabha insurance will not be given. Then, first of all, bound करने को, फिर उसे discretion क्या use करना होगा? थोड़ा सा interpretation wrong जा रहा है इसका। एक चीज हमेशा याद रखना, किसी भी अच्छे exam में ना wrong interpretation वाले questions आएंगे नहीं। ये question जो है ना, ये wrong interpretation दे रहा है। अदरवाइज इसका राइट आंसर इसको भी टिक कराओगे तो गलत नहीं है, समझ रहे हो। मैंने फिलहाल के लिए ये 1 और 3 करेक्ट किया है, लेकिन ये आंसर भी करेक्ट कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीजन समझिए, मैं आपको बताता हूं। हाँ हाँ समझ गया, मैं आपकी बात समझिए, बता रहा हूं। राज्य विधानसभा में विश्वास मत सिद्ध ना कर पाने की स्थिति में मंत्रिपरिषद को भंग करने के मामले में, तो भैया उस समय विवेकाधीन अधिकार की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः ही भंग हो जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए 1 और 3 जो है वो करेक्ट आंसर माना गया है। मतलब अगर आपने विश्वास मत सिद्ध नहीं किया तो किसी और ने सिद्ध किया होगा, ध्यान से समझना इस बात को। विश्वास मत का मतलब फ्लोर टेस्ट से है, जो हाल ही में हरियाणा के अंदर हुआ। हरियाणा के अंदर क्या हुआ कि यदि अभी जैसे अटल जी की सरकार गिरी थी, एक बार उदाहरण दिमाग में लेके आइए, तो अटल जी की सरकार गिरी थी क्योंकि 1 वोट से वो हार गए थे, विश्वास मत सिद्ध नहीं कर पाए, तो करने के लिए राष्ट्रपति ने थोड़ी उनको डिसॉल्व किया। जो सरकार है अगर वो नहीं कर पाई है अपना कार्य तो फिर स्वतः ही भंग हो जाती है। इसलिए मतलब एक प्रकार से पूछा जाए तो ये कथन 1 और 3 जो है ये कथन सही है। बात बनती है भंग करने के मामले में, तो परिणाम ये निकलता है कि ये घोषणा राज्यपाल को ही करनी पड़ती है फाइनली। तो ये 2 स्टेटमेंट है ज्वाइन, इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट यहां भी करेक्ट चला जा रहा है, लेकिन मोर करेक्ट एप्रोप्रिएट 1 और 3 है, इसलिए मैंने 1-3 को कॉल लिया, ठीक है ना। हाँ जी सब जगह यही, अभी हरियाणा में केस यही हुआ था, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है, राज्यपाल के मामले में बताइए, कि वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, लेजिस्लेचर का पार्ट होता है, वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता, उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं होती, कौन सा कथन सही है। अच्छा सवाल है ये, गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन में ही हम फंस गए, ओके इसमें फिर एक सवाल का नॉट ट्रू अगर पूछा जाए तो हम फंस गए। फोल करवाएं। एक्चुअली क्या है, मैं हर पॉइंट पे आपको कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट दूंगा,
ये फिर से वही वाली बात है, एक्यूरेट। एक्चुअली देखो साथियों, पॉलिटी में अगर टू द पॉइंट क्वेश्चन आए ना, तब तो आंसर बहुत आसानी से दिए जा सकते हैं, लेकिन जहां इंटरप्रिटेशन आए वहां क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब इंटरप्रिटेशन के मामले में यहाँ पे तीन ऑप्शंस ऐसे हैं जो गलत हो रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं, फिर आप अपने आप देख लीजिएगा। साथियों, मृत्यु दंड को ही कैन पार, चलिए फिलहाल के लिए तो मैं आंसर करता हूँ, लेकिन मैं बात बाकी छोड़िए, मैं एक बार पोल एक्टिवेट कर देता हूं, उसके बाद में बाकी क्वेश्चंस भी समझाऊंगा मैं। क्योंकि इसमें एक ही आंसर नहीं, इसमें और भी आंसर करेक्ट है, आप लोग जल्दबाजी में आंसर करना चाह रहे हैं इसलिए। आपको तो दिख गया, ठीक है, कर दिया आप सबने भाग भाग करके। अब देखिए, अगर हाँ, अब अगर आप चलते हैं तथ्यात्मक रूप से, तो सारे आंसर सुनिए। पहला पॉइंट सुनिए साथियों, मृत्यु दंड को क्षमा करता कर सकता है, ही कैन पार्डन दी डेथ पेनल्टी। अब असल में वो पार्डन नहीं कर रहा है, उसको कम कर सकता है, तो मोर एप्रोप्रिएट तो ये है कि वो डेथ पेनल्टी को कम कर सकता है, लेकिन फिर भी इन दिए गए ऑप्शंस में ये करेक्ट है। लेकिन और ऑप्शंस देखिए, ही डज नॉट अपॉइंट जजेस ऑफ दी हाई कोर्ट। अरे भैया, ये बात भी तो गलत ही है ना, क्योंकि आपने सत्य नहीं पूछा है, और भाई साहब ये पॉइंट है, क्या पॉइंट है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो अपॉइंट करता है, किसको, आर्टिकल 217 के अंदर ये चीज मेंशन है, चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर टू बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 217। तो ये 217 के तहत जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, तो अपने आप में ही डज नॉट अपॉइंट, अच्छा, ही डज नॉट अपॉइंट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, तो ही डज नॉट अपॉइंट, ये कथन तो सही हुआ ना। हाँ, ये कथन सही हुआ यार, सही है, सही है, सही है, सही है, माय मिस्टेक, ही डज नॉट है ना, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है, सही है, सही है, डज नॉट अपॉइंट, हाँ, मैं एक्स्ट्रा कॉन्शियसली इस क्वेश्चन को गलत कर देता अदरवाइज, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, डज नॉट ऑलरेडी मेंशन है ना, मैं एक्चुअली डज पर ले गया, चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। With reference to the Council of Minister, help and advice to the Governor, consider the following statement. With reference to the Council of Minister, Council of Minister के केस में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाँ, मैं ज़्यादा overthinking में चला गया। मैंने कहा यार ये तो appoint करता ही नहीं है, 217 आर्टिकल है बकायदा। कोई नहीं। राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की जांच केवल उच्च न्यायालय में की जा सकती है। केवल उच्च न्यायालय, ये जो शब्दों में केवल शब्द आता है ना, इसको बहुत ज्यादा सोच करके काम में लिया करें। राज्यपाल को यह निर्णय करने का प्राधिकार है कि कोई विषय उसकी विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है या नहीं आता। ऑथराइज टू डिसाइड वेदर ए सब्जेक्ट कम अंडर हिज डिस्क्रिशनरी पावर और नॉट, ये गवर्नर खुद डिसाइड कर सकता है। बताइए कौन सी बात सही है। आपसे पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट, क्लियर। हाँ जी, अब देखिए इस सवाल में ये हिंट था जो मैंने आपको बताया, क्या ये जो केवल शब्द है ना, ये अपने आप में कई जगह पर कहीं पर भी यूपीएससी के अंदर अगर केवल शब्द आ रहा है तो उस पर दिमाग डालिए, अक्सर वो गलत होता है। ओनली जहां लगा आ गया ना, अक्सर वो गलत होता है यूपीएससी के पेपर्स में। हम लोग तो अब इसको बना, मतलब किताबें तो अब इसी को दे दे करके सही ऑप्शंस बना देती हैं, क्योंकि एक्सक्लूसिव चीजें बहुत कम होती हैं। फिलहाल के लिए अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो पॉइंट ये है कि राज्यपाल को दी गई सलाह जो मंत्रियों के द्वारा दी गई है, वो किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं की जा सकती। ध्यान से सुनना, राज्यपाल को दी गई सलाह जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने दी है, उसे आप कोर्ट में इसलिए क्वेश्चन नहीं कर सकते कि साहब इनकी सलाह गलत थी। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है ये, याद कर लेना। लेकिन इसके कॉन्ट्रेरी मैं आपको एक बात बताता हूं, वो चीज याद करिए, इसके कॉन्ट्रेरी। हाँ भाई, इसका ऑप्शन तो करा दिया ना मैंने, आंसर तो करा दिया ना।
थम्स अप कर दो, आंसर तो करा दिया ना मैंने। हाँ ठीक है, अब सुनिए इसके कॉन्ट्रेरी मैं एक बात करता हूं, और वो क्या है, आप लोगों ने राष्ट्रपति शासन के बारे में सुना होगा। राष्ट्रपति शासन के केस में जो काउंसिल ऑफ, जो राष्ट्रपति है उसको राज्यपाल अपनी रिकमेंडेशन देता है। पहले तक यह हुआ करता था कि राज्यपाल की जो रिकमेंडेशन है वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर रहती थी, लेकिन अब वो रिव्यू के दायरे में आ गई है। तो जो जो एडवाइस है ना वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा जो दी गई है राज्यपाल को, वो तो रिव्यू के दायरे से अभी भी बाहर चल रही है। लेकिन कोई भी कोर्ट उसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट, कोई भी उसके ऊपर रिव्यू नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसने राष्ट्रपति शासन की सलाह गवर्नर ने किसी को दे दी है या फिर राष्ट्रपति को दे दी है तो उसको रिव्यू के दायरे में डाल रखा है। ये तथ्य एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में आप याद रख सकते हैं। दूसरा, राज्यपाल को यह निर्णय करने का अधिकार है, ऑब्वियस सी बात है, वो तभी तो डिस्क्रिशनरी पावर है ना, किसी बिल को अपने लिए रिजर्व रखना है, राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रखना है, दोबारा भेजना है, ये उसका डिस्क्रिशन है, खुद का निर्णय है कि वो क्या करता है। ठीक है, चलिए, स्टेट राज्य मंत्री परिषद का उल्लेख संविधान में, बताइए स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये लिखा हुआ है? दूसरा, देयर आर सेवरल रीजन अवेलेबल फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राज्य मंत्री परिषद की संख्या के निर्धारण हेतु कई कारण उपलब्ध हैं। कारण तो शब्द सही नहीं है, लेकिन हाँ मतलब ठीक है, बोल सकते हैं हम इसको, बोल सकते हैं फैक्ट्स उपस्थित हैं, पर चलने दीजिए, आप कारण मान के कर लीजिए। आलोक तिवारी लिख रहे हैं, इस क्लास को लेने के बाद में मूड फ्रेश हो जाता है। मुझे लगता है मूड एकदम हैंग हो जाता होगा कि यार ये मतलब क्या चल रहा है, लेकिन चलिए आप लोगों को अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है। हाँ जी, राज्य मंत्री परिषद, इतनी देर से गला फाड़ फाड़ के हम COM कर रहे हैं, दैट मींस ये तो तथ्य सही निकलना था, क्योंकि हमने आर्टिकल 163 इतनी देर से बोल ही रखा है। केंद्र में जहां आर्टिकल 74 है, जहां पर लिखा हुआ है देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस ऑफ टू गवर्नर, तो ये तो होगा ही, ये तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में लिखा हुआ है। दूसरा, राज्य मंत्री परिषद की संख्या के निर्धारण हेतु कई कारण उपस्थित हैं। हाँ भाई, कौन सा वो था जल्दी से बताइए मेरे प्यारे साथियों, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने मेंबर होंगे इसकी संख्या तक निर्धारित है? लीजेंड ऑफ मून 91st, ठीक है ना, इसमें क्या कहा हुआ है कि 15% ही कुल संख्या के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकती है। अगर 200 के सदस्य संख्या है विधानसभा के अंदर तो 30 ही विधायक बन सकेंगे, मंत्री महोदय, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री के कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हाँ जी, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे साथियों, प्रशांत लिख रहे हैं सर अब आपके कारण बहुत ध्यान से लक्ष्मीकांत को पढ़ते हैं। हाँ, लक्ष्मीकांत को पढ़ना ही इन क्वेश्चंस के बाद बच्चे शुरू करते हैं। हम लोगों ने भी जब लक्ष्मीकांत पढ़ी थी शुरुआत में तो लगता था पढ़ना क्या है इसमें, समझ में नहीं आता था, लेकिन जब क्वेश्चंस देखते हैं और बातों की बारीकियों में जाते हैं ना, तब पता चलता है कि यार इसको इतनी गहराई से पढ़ना होता है। हाँ जी, मुख्यमंत्री के कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। आगे देखते हैं, यह अंतरराज्य परिषद का सदस्य होता है। तीसरा, इसे उन्हें राज्य के महाधिवक्ता और स्टेट पीएससी, जैसे हमारे राजस्थान में आरपीएससी है, के सदस्य की नियुक्ति में परामर्श दिया जाता है। उन्हें राज्य के महाधिवक्ता और के सदस्य की नियुक्ति में, अब ही इज कंसल्टेड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ, देखिए हिंदी में इसका मीनिंग गलत निकल रहा है, ही इज कंसल्टेड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट एडवोकेट जनरल एंड मेंबर ऑफ एसपीएससी। मतलब एक तरफ तो यह ऐसा आ रहा है कि राज्य के महाधिवक्ता सदस्य की नियुक्ति में परामर्श दिया जाता है, मतलब उन्हें परामर्श दिया जा रहा है कि इनको नियुक्त कर दीजिए, ऐसी फीलिंग आ रही है ना। गलत कथन का पता लगाएं, हिंदी सही है कि गलत, कौन सा सही है, ये गलत कथन की तरफ जाएंगे। हिंदी ही गलत है, हिंदी के अकॉर्डिंग चलो। हाँ जी, एक्चुअली क्या है,
मतलब ये क्वेश्चन यहीं से कंफर्म हो गया कि ये गलत हो रहा है, मतलब यहीं से ही, बाकी तो सब सही है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नर का काम है, और मैं मतलब आप सुन लिए, मेरा खुद का जो खुद से डिस्कशन था वो आप सुन लिए, ये गलत नहीं कर दिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन राज्य मंत्री परिषद को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? राज्य मंत्री परिषद को शपथ कौन दिलाता है? अच्छा सवाल है, इसमें एक ऑप्शन और होना चाहिए था, है स्पीकर ऑफ स्टेट का, ठीक है। अच्छा सवाल, एक बच्ची बोल रही है आप मन में भी तो तेज ही बोलते हैं सुष्मिता। हाँ ये बात भी सही कह रही हो आप। एक्चुअली बेटा मेरे को ना हमेशा बोल बोल के पढ़ने की आदत रही है, और मैं टीचर भी इसीलिए बना क्योंकि मैं खुद से ही खुद को पढ़ाता था। मैंने खुद ने आज तक कहीं कोचिंग नहीं पढ़ी है, ठीक है, और खुद से खुद को कोचिंग पढ़ाता था, तो उससे वो आत्म साक्षात्कार जो है वो ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये क्लियर है, आप खुद से ही अगर दो सवाल अगर पूछेंगे तो खुद के टीचर खुद बन जाएंगे कि यार ऐसा क्यों होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। उसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। नंबर एक, राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। वह और उनकी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। मुझे लगता नहीं पढ़ने की आवश्यकता है उन्हें, और पूछा और गया सही के बारे में बताइए। उन्हें राज्य के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के फैसलों और कानूनों के प्रस्तावों में राज्यपाल से संवाद करना चाहिए। तो अब मुझे बताओ कि इस सवाल को करने की जरूरत है या नहीं है, मतलब ऐसे ही बता दो सर नहीं है, एक बार फीलिंग के लिए बता दो सर नहीं है। मतलब मैं शुरुआत से आज मतलब क्लास शुरू हुई है तब से इसी डायलॉग को बार 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 चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, इतना भारी भरकम सवाल बनाया और हमारे बच्चों ने धज्जियां उड़ा दी इसकी, 70-50% ही सवाल को समझ पाए, है ना भाई? क्यों? क्योंकि भाई साहब यहां पर जो है ये शब्द बिल्कुल गलत है, और किसी को अगर ये बात समझ में आ गई कि ये गलत है तो यार ये भी तीनों गलत है ना भाई? इतनी देर से हम कह के आ रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए जिम्मेदार है? आप अगर अभी भी राज्यपाल कह रहे हो इसका मतलब आप तब से क्लास में बैठे ही नहीं थे। क्लियर? हाँ, राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य निम्नलिखित में से कौन से हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है। वह मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के लिए उनसे संवाद करता है। राज्यपाल के संबंध में आपसे पूछा जा रहा है, मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के उनसे संवाद करता है। वह उसे राज्य के प्रशासन से संबंधित ऐसे मामले की जानकारी प्रदान करता है जैसा कि राज्यपाल खुद पूछ सकता है। वह राज्यपाल को राज्य सरकार में नियुक्तियां प्रदान करने में सहायता करता है। अगेन, राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री के कार्य। वह मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के लिए उनसे संवाद करता है, ठीक बात। वह उसे राज्य के प्रशासन से संबंधित ऐसे मामले की जानकारी प्रदान करता है जैसा कि राज्यपाल उनसे पूछ रहे हैं, ठीक है। कॉल फोर का मतलब जैसा कि उनसे पूछ रहे हैं। वह राज्यपाल को राज्य सरकार में नियुक्तियां करने में सहायता प्रदान करता है। गवर्नर को अपॉइंटमेंट देने में नियुक्तियों मतलब नियुक्ति। करें मुझे मालूम था कि यहां पे आप लोग 50-50 हो जाएंगे इस ऑप्शन में, और आंसर भी यही दिखा रहा है। ए और हाँ, ए और डी में फंसना था, मुझे पता था कि आप इन दो के लिए तो आश्वस्त हो जाएंगे, इस पॉइंट को लेके फंसेंगे। देखिए, एक चीज को ना बहुत अच्छे से समझिए, आप लोग क्या है ना बहुत ज्यादा ही प्रैक्टिकल तरीके से सोचना शुरू कर दिए हैं, जैसे मेरे साथ भी होता है, आप भी वैसे ही सोचते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि कर्ता धर्ता केवल होता मुख्यमंत्री ही है, लेकिन वास्तविकता में अगर कॉन्स्टिट्यूशनली बात की जाए तो मुख्यमंत्री कार्यों को अवगत कराता है, ये बात सही है, लेकिन जो सलाह है उसमें बोला यही जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह,
नियुक्तियों के मामले में शब्द जो इस्तेमाल लिया जाता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ताकि इसके अंदर क्या होगा कि आप लोग ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है आपसे वो कॉन्स्टिट्यूशनली पूछ रहा है। आपको लग रहा है कि यार मोदी जी तो बोलते होंगे कि साहब जी रामनाथ जी, बोले हाँ, बोले इनको नियुक्त कर दो, इनको ये बना दो, या फिर आप गहलोत साहब बोलते होंगे कलराज साहब, बोले इनको नियुक्त कर दो। तो ये जो है ना, इस प्रकार आप सोच रहे हैं, लेकिन संविधान की भाषा में इसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोला गया है ना। तो ऐसी स्थिति में नियुक्तियां करने में अगर ऐसा होता फिर तो मुख्यमंत्री का शासन होता ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। रामनाथ जी नाम सुनने में कैसा लगता है ना, महामहिम की जगह रामनाथ जी, अब कोई समझ जाए रामनाथ जी कौन है यार। ठीक है, मुख्यमंत्री के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये फिर से सवाल आ गया है, एक सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 सब क्लॉज 1 के द्वारा निम्नलिखित में से क्या कहा गया है? हाँ भाई बताइए, 164 सब क्लॉज 1 के अंदर क्या कहा गया है? एक राज्य के राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से जिन न्यायाधीशों की नियुक्ति पद पदोन्नति कर सकते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते राज्य विधायिका द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। इनमें से कोई भी नहीं, कौन सा कथन सही है? एक्चुअली इनकम्प्लीट ऑप्शंस दिए हैं इसमें, लेकिन फिर भी इनकम्प्लीट में से भी जो कंप्लीट है वो तो करना पड़ेगा ना। इनकम्प्लीट में से जो आपने जिन्होंने डी किया है उनकी बात मैं समझ रहा हूं, लेकिन अगर उसमें से कुछ भी है तो वो करना पड़ेगा ना कि भाई 164 के तहत क्या कहा जाता है, जो बेस्ट है वो चुनना पड़ रहा है आप लोगों को। कैसे भाई? वास्तविकता में 164 ये कहता है जो 75 कहता है। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 74 75 इज इक्वल्स टू 163 164 है। 163 और ये दोनों एक जैसी बात करते हैं। ये कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को सपोर्ट करता है, ये कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर को सपोर्ट करता है। इधर की तरफ क्या है, 75 में बोला जाता है कि प्रेसिडेंट जो है वो मंत्रियों की, प्रधानमंत्री की और मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यहां पर लिखा हुआ है कि गवर्नर जो है वो मुख्यमंत्री एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अब क्वेश्चन में यहां पर आधा ही ऑप्शन दिया हुआ है कि वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, तो हमको केवल इतना ही लेकर के चलना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो इतने से भी अगर दिया गया कि ये मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करता है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये चीज लेकर के चलनी है। ठीक है, आखिरी सवाल, अंतर राज्य परिषद में यानी इंटर स्टेट काउंसिल में कौन कौन शामिल होता है? प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभाओं के साथ में केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, कौन कौन शामिल होता है? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। इंटर स्टेट काउंसिल अगर मीटिंग हो रही हो तो उसमें कौन कौन शामिल होता है? कल हमारा टाइटल रहेगा हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है बेटा, हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कल का टाइटल ये रहने वाला है। उत्तरदायी का मतलब होता है डॉक्टर आयुषी कि अगर इनकी बात नहीं मानी, रिवर्स में चलते हैं, बात नहीं मानी तो फिर वो एक्शन ले सकता है, ऐसे मतलब समझ के चलो। हाँ भाई, अमरेंद्र बाहुबली नंबर 1 पर, तेजस्वी नंबर 2 पर, तेजस्वी सूर्या, प्रतीका नंबर 3 पर, नीतीश कुमार नंबर 4, मनोज यादव, मनोज मौर्य 5, बबलू, मनीषा, गौरव, दिव्या और रूप अदक, ये हमारे टॉप परफॉर्मर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। हाँ संगीता बताओ बेटा, बोलिए साहब, जिनको जो कुछ भी पूछना है वो बताएं। शाम को 6 बजे क्लास है, उसमें तो हम मिलेंगे ही। शाम को 6 बजे सुष्मिता, 6 बजे रोहित भैया, मुझे इसकी खबर नहीं है। आदित्यनाथ जी सेम है। कट ऑफ यार 15 क्वेश्चन सही कर दे रहे ना तो मजा आ जाता। कविता बिल्कुल लेके आऊंगा बेटा। बेटा वो इंडियन ज्योग्राफी के नाम से दिखाई दे रही है 6 बजे वाली क्लास, उसी में क्लास कंटिन्यू करेंगे हम। 5 ही सेशन है तो वहां पे वर्ल्ड ज्योग्राफी का बचा हुआ सेशन कंप्लीट कर देंगे। रानू बिल्कुल 5 बजे 6 बजे जो क्लास है वो क्लास इंडियन ज्योग्राफी के नाम से दिख रही है, असल में वो 5 ही लेक्चर थे, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेक्चर्स को इन्वॉल्व कर देंगे। ठीक है, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किया जा रहा है, किया लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किया है।
क्या है? विकेंद्रीकरण होगा बेटा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण तो आपने ड्रॉ कर दिया है ना, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए छोटे छोटे क्षेत्रों में। और विकेंद्रीकरण का मीनिंग, जैसे कि मान लीजिए कि सेंटर में आपने सारी पावर केंद्र के पास थी, अब राज्यों को भी पावरफुल बनाया जा रहा है, जैसे जीएसटी काउंसिल का निर्माण किया जाना, जैसे नीति आयोग के काउंसिल के अंदर बिठाया जाना सभी राज्यों को, ठीक है ना, ये विकेंद्रीकरण शब्द है। प्रशांत, ये डिपेंड करता है, मतलब डिस्क्रिशनरी पावर है ये पीएम की, वो कितने भी शामिल कर सकता है। समन, ऑल नहीं है, असल में क्या होता है कि लिखा हुआ तो कम मिनिस्टर्स का होता है, लेकिन बाद में ये बात आई कि प्रेसिडेंट जितनों को, मतलब प्राइम मिनिस्टर जितनों को भी चाहे बुला सकता है। गणेश जांगिड़, बिल्कुल लेके आएंगे भैया, है ना। संगीता को कर रहे हैं बेटा, है ना, उसका टाइमिंग बच्चों के आज मैसेजेस देख लिए मैंने, 6:30 लिखा है बच्चों ने, 6:30 बजे करने की। शिवानी बताइए बेटा, आपकी भी सुन रहे हैं। डीडी बसु बेटा, वंस अपॉन ए टाइम अच्छी किताब होती थी, आज भी अच्छी है, लेकिन उसको और ज्यादा आसान भाषा में लक्ष्मीकांत ने लिख दिया है, तो वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पढ़ लीजिए। और बताइए राहुल भैया, बहुत सारा आशीर्वाद। हार्दिक, बिल्कुल करवा देंगे बेटा। यूपीएससी ईपीएफओ के लिए तो बेटा आपको कंटिन्यू जो हम पढ़ा रहे हैं वही पढ़ते चलने चाहिए। पेरियार अच्छी है या ऑक्सफोर्ड? बेटा किताबों में क्या कंपैरिजन करना, आपकी दो आंखों में कैसे परिवर्तन किया वो किया जाए। मैं इस पर सेंड कर देता हूं, है ना। शिवानी बहुत परेशान है, क्यों परेशान है? क्योंकि सबसे मेरी लड़ाई हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती हूं, प्लीज हेल्प मी। बेटा सबसे लड़ाई हो जाती है, इसका मतलब दिक्कत फिर अपने साथ हो रही है ना। फिलहाल के लिए लड़ाई को आप इग्नोर करिए, सोचिए कि लड़ाई जो है वो हमारे लाइफ का पार्ट ही नहीं है। दुनिया से कम एक्सपेक्ट करिए, जितना कम एक्सपेक्ट करोगी उतना कम लड़ोगी, है ना। लोगों से जितना कम एक्सपेक्टेशन रखोगी उतना कम लड़ाई करोगी, ये सोचो ही मत कि कोई आपके काम आएगा, फिर देखिए सब अच्छे लगने लगेंगे। चलिए क्लियर, थैंक यू सो मच। हाँ भाई अंकित तिवारी, आपकी बात भी सुन लेते हैं, बताइए। रवि बेटा, सिलेबस मैच करना आप एक बार, ऑप्शनल। बेटा ऑप्शनल के केस में ना आकाशदीप, ये डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। एक जनरल परसेप्शन केवल एक लाइन में ये बोल सकता हूं कि जो लोग लेते आए हैं साइंस बैकग्राउंड वाले सामान्यतया ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स को चूज करते हैं। ऑप्शनल बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपकी खुद की क्या स्ट्रेटजी है अपनी तैयारी को लेकर के। सामान्यतया साइंस ऑप्शनल नंबर अच्छे दिलवाते हैं लेकिन जीएस में हेल्प नहीं करते, और जो जीएस ऑप्शनल हैं वो जीएस में नंबर अच्छे दिलवाते हैं लेकिन खुद ऑप्शनल में नंबर नहीं लाते। ये आप अपने हिसाब से ज्यादा अच्छे से चूज कर पाए तो बेहतर होगा। मेंस इंग्लिश में बिल्कुल दे सकते हैं। तो क्या लोगों से बात ही करना बंद कर देना चाहिए? मैं किसी से बात ही ना करूं अच्छा होगा क्या? शिवानी बातें तो तुम बिल्कुल, मतलब इस तरह से पूछ रही हो बच्चों की तरह, लेकिन क्यों? मैं आपसे बातें कर रहा हूं और मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा, इसके पीछे का मतलब समझ रही हो? इसके पीछे का मतलब यही है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। बातें करने से क्या फर्क पड़ रहा है, बातें खूब करो, उम्मीदें मत करो ना। इसको थोड़ा सा गहरी जवान है, सोच के देखना, ठीक है। चलो फिलहाल के लिए इतना। रवि कुशवाहा बेटा, वो एसएससी वाली क्लास में पूछ लेना, है ना। कल का टॉपिक है हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। सुधांशु बढ़िया हो भैया, एकदम बढ़िया, ठीक है। प्रभात इंग्लिश, ठीक है बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट।